हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा स्पाइडर ग्रास प्लांट। इसके बहुत सारे ऐसे स्पाइडर के लेग्स की तरह ऐसे बहुत सारे शूट्स निकल रहे थे साइड साइड से, इसीलिए इसको स्पाइडर ग्रास प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारे प्लांट्स बन सकते हैं। मैं इनको कटिंग करके बहुत सारे छोटे छोटे दो प्लांटर्स बनाऊँगी। ये मैंने एक काटा इस प्लांट को इस तरह से साइड से, इसको मैं छोटे छोटे प्लांटर्स में लगाऊँगी। इधर से भी मैंने एक कटिंग ली, ये वाली, और भी निकल रहे हैं। और जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं वहाँ से और कटिंग लूँगी। और मेरे पास ऐसे 2 लीटर के बिस्लेरी के खाली बॉटल पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको मैं यूज़ करूँ, इनका एक छोटा सा प्लांटर बनाऊँ अपने इन प्लांट्स को लगाने के लिए। तो मैं नीचे से कटिंग करके इसको बनाए। थोड़ी सी मेहनत लेकिन लेकिन बहुत ईजी है इसको करना। आप लोग भी कर सकते हो इसको कटिंग करके। फिर मेरे पास जो पहले के पॉट्स की जो मिट्टी थी, इसमें पहले से काफ़ी कुछ मैन्योर वगैरह मिक्स था, तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ मिक्स नहीं किया। अपने पुराने पॉट्स से ही मैंने सारी मिट्टी निकाली, उसमें वर्मी कंपोस्ट पहले से मिक्स था। तो इस तरह से मैंने इसको भरना शुरू किया। इसको पूरा फिलअप करने के बाद थोड़ा सा मैंने प्रेस कर दिया जिससे वो थोड़ा सा टाइट हो जाए। और जो मैं वो कटिंग लेके आई थी स्पाइडर ग्रास प्लांट की साइड से, उसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी इन दोनों बॉटल्स में। बाद में जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं इन पॉट्स को जो मैंने बनाए अपने हाथों से, इनको मैं फिर कलर वगैरह पेंटिंग वगैरह करूँगी। मैं दिखाऊँगी आपको बाद में कभी अगर मैं पेंटिंग करूँगी तो। ये मैंने दोनों प्लांटर्स में मिट्टी भरनी शुरू कर दी और प्रेस किया टाइट होने के लिए। आप लोग भी अपने घर में इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं बॉटल्स को। मेरे पास और भी कुछ कुछ बॉटल्स पड़े हुए हैं, उनमें अलग अलग तरह के प्लांट्स लगाऊंगी। फिर मैं जो ये लेके आई थी इसको मैंने लगाया, थोड़ा सा गड्ढा खोद कर इसको हल्के हाथ से प्रेस कर दिया, ऊपर की मिट्टी टाइट हो जाए अच्छे से। दूसरे वाले प्लांट में भी मैंने जो दूसरी कटिंग लाई थी उसको भी मैंने इसी तरह से लगा दिया। आप इसको हैंगिंग में भी लटका सकते हो बाहर बालकनी में हैंग करके, जब ये थोड़े से बड़े हो जाए। ये देखिए कैसे लग रहे हैं, बताना फ्रेंड्स आपको ये। और आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो इनमें, रीयूज है बॉटल्स को, आप रीयूज कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो इसको डिफरेंट कलर्स डालकर। बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत क्यूट क्यूट से लगते हैं ये छोटे छोटे प्लांटर्स। पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। Bye friends.